हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ आलू का रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आलू का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 बॉयल आलू और 500 ग्राम दही, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, काली मिर्च भुका हुआ, आधा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमें चाहिए नमक, इसमें आप सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च कटा हुआ, और थोड़े से हमें अनारदाना चाहिए और थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी दही को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी और चीनी को भी मिक्स करते जाएंगे। और हमने यहाँ पर जो 4 आलू लिए थे बॉईल किए हुए, उसे हम छील करके टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने 1 प्लेट आलू को कट कर लिया है। अब हम आलू को इसमें डाल देंगे। सारे आलू को हमने दही में मिला लिया है और अब इसमें जाएगा काली मिर्च भुका हुआ, साथ ही लाल मिर्च, हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आप इसमें सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं, व्रत के लिए बना रहे, और साथ ही 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने उलट पलट करके चम्मच से सारी चीजों को मिला लिया है। और अब इसके ऊपर से हम थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। धनिया पत्ती को भी मिला लेंगे। और अब इसके ऊपर से हम डालेंगे अनारदाना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अनारदाना को भी हमने ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़े से लाल मिर्च और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रायता, तैयार है सर्व करने के लिए। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।